हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं आपको बताता हूँ कि विंडो 10 में आईपी आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्टली न्यू यूजर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 में एक फीचर दिया हुआ है वर्चुअल बॉक्स, और तो हम उसकी आईपी चेंज करके दिखाऊंगा मैं आपको, और ईथरनेट अडाप्टर की भी चेंज करके दिखाऊंगा। और मेरे पास एक USB Wi-Fi अडाप्टर है, उसकी भी मैं आपको आईपी चेंज करूँ। पहले हम देखते हैं कि मेरे नेटवर्क कितने हैं और किस तरह के हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में खुल चुका है कि नेटवर्क कनेक्शंस मेरे फर्स्ट है, जो हम लोग केबल में यूज़ करते हैं ईथरनेट केबल के थ्रू, वो हमारा ईथरनेट अडाप्टर ये है जो NIC कार्ड में लगता है। और ये हमारा वर्चुअल बॉक्स है जिसमें हम कोई भी वर्चुअल मशीन्स के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं विद वर्चुअल बॉक्स। आजकल इसमें Hyper-V दिया हुआ है विंडो 10 में, तो हम उसके थ्रू हम इससे कनेक्शन ले सकते हैं। और जो मेरा वाईफाई अडाप्टर है उसके थ्रू भी हम इसकी आईपी चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले वर्चुअल बॉक्स ही करके दिखाते हैं आपको। तो फर्स्टली मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपनी आईपी देखना चाहूँगा कि मेरी आईपी किस पे कौन सी आईपी दी गई है। तो मैंने अपना CMD खोल चुका है, तो उसमें हम डालेंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन खुल चुका है। तो देखिए मेरा अभी कौन से से कनेक्टेड है, जैसे मेरा जो वायर कनेक्शन है वो अभी डिसकनेक्टेड है, तो वो अपना आईपी शो नहीं कर रहा है। तो अभी मेरा सिर्फ वर्चुअल बॉक्स बता रहा है कि आपका आईपी क्या है, और क्योंकि यही कनेक्टेड है अभी मेरा। तो ये देखिए, तो मेरा IPv4 है 192.168.10.7। तो मेरा जो IP है, और जो मेरा IPv6 है वो ऑलरेडी भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम पहले अपना वर्चुअल बॉक्स का IP चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको अपनी। तो फर्स्ट हम क्लिक न्यू यूजर्स के लिए मैं बताता हूँ, पहले हम जाएंगे नेटवर्क सेटिंग्स में। पहले देखते हैं टास्क बार में भी हम यहाँ शॉर्टकट जा सकते हैं। तो हम पहले जाएंगे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो यहाँ पर ये नेटवर्क सेटिंग्स आ जाती हैं बहुत सारी। तो हम पहले हमारा नेटवर्क चेंज करना है, तो हम पहले यहाँ चेंज एंड अडाप्टर सेटिंग्स पे जाएंगे। तो ये हमारे कनेक्शन शो हो जा रहे हैं, जो मैंने आपको डायरेक्ट पहले बताया था कि शॉर्टकट कैसे। तो पर आप लोग न्यू यूजर्स हो तो हम आपको इस तरह से बता रहा हूँ मैं आपको कि स्टार्ट से कैसे चेंज करते हैं। तो हमारे पास अभी वर्चुअल बॉक्स में आपको आईपी चेंज करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ की प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ खोलने के बाद ये हमारे पास वर्चुअल बॉक्स का एक प्रॉम्प्ट खुल जाएगा छोटा सा। तो हम इस पर IPv4 देखेंगे। देखिए यहाँ पर IPv4 दिया हुआ है, पहले इसकी IP हमारे पास 7 थी, यहाँ भी IPv7 शो हो रहा था। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए IP शो हो रहा है हमारा 7, यहाँ भी 7 शो हो रहा था। अब हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हम चेंज करते थे 10। तो देखिए यहाँ पे आपका आईपी चेंज हो चुका है, यहाँ ओके कर देते हैं। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट रिटर्न जाते हैं और यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन डाल देंगे। तो देखिए हमारा 7 था, 10 हो चुका है हमारा आईपी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉर्टकट तरीके से हम कैसे टेक्निकल इस पेज में आ सकते हैं डायरेक्ट। तो हम कुछ नहीं, हम रन प्रॉम्प्ट खोलेंगे विद द हेल्प ऑफ Wing+R। उसके बाद हम क्लिक यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड में ncpa.cpl cpl, ठीक है। तो हम सीधे नेटवर्क कनेक्शन वाले पेज पे खुल जाएंगे। इसके बाद हम वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करेंगे होस्ट पर। उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ खुलने के बाद देखिए यहाँ पर IPv4 लिखा हुआ है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना IP वापस 11 कर देते हैं। 11 करने के बाद ओके कर देंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा आईपी चेंज हुआ है कि नहीं। तो हम वापस जाएंगे और रन खोलेंगे। रन पे हम खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट CMD। CMD खोलने के बाद हम देखेंगे हमारा आईपी चेंज हुआ है कि, तो हम डालेंगे IPconfig, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा 192 चेंज हो चुका है। थैंक यू दोस्त। तो आपने देखा कि हम अपना आईपी किस तरह से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।